क्लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉट्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉट्स शूज एंड बैग्स। झूठ एग्रीमेंट बनाओ। अच्छा, इन्होंने खरीदी थी, किससे खरीदी थी, कब लिए थे ये रूम आपके पिताजी? 95 में। अगर ये बोलते हैं 95 के पहले, तो उसको पहले बताइए कि 95 के पहले वहाँ कुछ था ही नहीं। अगर ऐसे में बोल दूँ किसी कार्यकर्ता का, वो तो 1780 का पेपर बना ले, कहीं और का पेपर, कहीं और दिखाने का। वहाँ पर कहीं भी नंबरिंग की नहीं है रूम को। कमलेश नाम का आदमी है, उस पर कब्जा कर दिया, करा है उस पर। ताला भी किसने लगाया? ताला मैंने लगाया। ताजे हमारे बैठते हैं, गणपति हिंदू लोग का, मुस्लिम का, हर सब त्यौहार होता है। देखो धर्म की चीज है, अगर गणपति बिठाए तो कोई हमारा रूम तो ले नहीं रहा था, पेपर सब मेरे पास है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के गांव देवी इलाके में कभी जमीन कब्जा तो कभी रूम कब्जा किया जा रहा है। एक बार फिर गाँव देवी इलाके में रूम कब्जे को लेकर विवाद सामने आया है। इस पूरे मामले में हमने महिला मंडल की जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत की है, जो दूसरा पक्ष है जिस पर रूम कब्जा करने का आरोप लग रहा है, कमलेश शर्मा, उनसे भी बातचीत की है। और इस पूरे मामले में पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत से भी बातचीत की है, आपको सुनाएंगे। मगर सबसे पहले आपको ये पूरा मामला बता दें कि मुमरा के गांवदेवी इलाके में 3 महिला मंडलों को सुधीर भगत ने सामाजिक कामों के लिए एक रूम दिया था और महिलाओं ने बताया कि कई सालों से इस रूम में गणेश प्रतिमा बिठाई जाती थी, हल्दी, कुमकुम, इस तरह के सामाजिक काम इस रूम में किए जाते थे। ये महिला मंडल के अंडर में ही ये रूम था। वहीं अब इस रूम में कमलेश शर्मा ने ताला लगा दिया और इसे कब्जा कर लिया, ऐसा महिला मंडल के महिलाओं का आरोप है। मगर कमलेश शर्मा का दावा है कि ये रूम उनका है। सन 1995 की टैक्स पावती और एग्रीमेंट दिखाते हुए कमलेश शर्मा ने बताया कि ये रूम उनका है और इस पर ओनर, जो रूम के ओनर है, मनोज कुमार शर्मा नाम लिखा हुआ है, जो एग्रीमेंट और टैक्स पावती कमलेश शर्मा दिखा रहे हैं। अब दोनों तरफ से इस रूम को कब्जे को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दोनों तरफ के लोगों ने एक एक ताला इस रूम के दरवाजे पर लगा दिया है। इस पूरे मामले में हमने महिला मंडल की जो महिला है शहनाज और कई महिलाओं से बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। क्या नाम है आपका? शहनाज। ये जो रूम है इसका क्या विवाद यहाँ पर चल रहा है? ये 15 साल से ऑफिस है, 3 मंडल के हिसाब से भाई ने, हम लोगों ने नगर सेवक थे तभी का दिया हुआ है। ये कौन से भाई ने? सुधीर भगत। अच्छा। ये 15 साल से चला रहे, अभी कमलेश नाम का आदमी है उस पर कब्जा कर दिया, करा है उस पर, और उसके ऊपर के जो दादा लोग हैं उनके पास में चाबी दिया है, फोन करा रहा है, गाली गलौज, धमकी दे रहा है, कंप्लेंट दे रहा है, ये करूँगा वो करूँगा बोल के नाम लेके धमकी दे रहा है, जाके कंप्लेंट दूंगा बोल के बोल रहा है, और ताला लगा दिया है। हम लोग का घर का फंक्शन होएगा, कुछ भी होएगा तो हम लोग के लिए ये रहता था ऑफिस, अब एक महीने से उसने ये मतलब महिला मंडल का, महिला मंडल का है, महिला मंडल का एरिया का है। तो इसमें क्या कार्यक्रम क्या होता है? इसमें ताजे हमारे बैठते हैं, गणपति हिंदू लोग का, मुस्लिम का, हर सब त्यौहार होता है। जैसे हमारे घर में शादी होगा, कुछ कार्यक्रम रहेगा, कुछ भी मतलब रहेगा, तो वो हम लोग का एक मंडल रहता है। तब एक महीने से उस पर कब्जा करके बैठा है, क्या बोले मेरा है बोल के। कितने सालों से इसमें इस्तेमाल कर रहे थे? 15 साल हो गया ऐसी ऑफिस पड़ा, इसको कोई भी ना, सब हमारे फंक्शन वाले लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने एरिया के लोग हैं उतने उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अभी ऐसा है कि 2-4 हफ्ता हो गया ताला लगाया गया इसको, और बताया जा रहा है कि चाबी इसके पास है, चाबी उसके पास है। अभी हमारे लड़के का इधर फंक्शन है एरिया के, तो उसके हिसाब से हम लोग चाबी लेने गए तो हम लोग को ये जवाब दिया जाता है, हमारे गरीब के ऊपर क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं। इसके कुछ आपका आप लोगों का जो मंडल है, तो क्या कुछ रूम को लेकर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराए थे या सिर्फ ऐसे ही? मतलब सिर्फ सुधीर भगत ने जब से दिया था आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तब मतलब आप लोग इसमें सामाजिक काम अपना करते हैं, ताजिया बैठाते हैं, गणपति बैठाते हैं, जैसा घर बुद्धि हम लोग का कुछ जो काम रहेगा, जैसा शादी ब्याह होगा, किसी का कार्यक्रम रहेगा, कुछ भी, जैसा घर का किसी का काम चालू है तो मतलब वो हम लोग को काम आता है। हालांकि महिलाओं ने बताया कि इस रूम के संबंध में उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रूफ नहीं है।
मगर इस पूरे मामले में वही कमलेश शर्मा से भी हमने बात की है, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ और आपको बता दें कि कमलेश शर्मा के घर आकर मारपीट की बात की गई है और महिलाओं ने मारपीट करने जैसी घटनाओं से साफ इनकार किया है, और साथ ही जो पैसे मांगने की बात की गई है इस बात से भी महिलाओं ने इनकार किया है। बहरहाल कमलेश शर्मा ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है सुनिए। क्या नाम है आपका? कमलेश शर्मा। ये जो आपके पीछे रूम दिखाई दे रहा है, इस रूम को लेकर यहाँ पर कुछ विवाद चल रहा है, ये शिव साई सेवा मंडल की ये महिलाएं जो इनका नहीं, कहना नहीं, है कि कोई मंडल ये जो है ना बोर्ड लगा है। सवाल तो सुनिए, मतलब इन लोगों का कहना है कि ये रूम हमारा था, हम जो है इसमें गणपति पूजा ऐसे तमाम कार्यक्रम करते थे और करीब 10 से 15 साल से इस्तेमाल कर रहे थे, तो और आप कह रहे हैं कि ये रूम हमारा है, तो कैसे आपका है? कुछ दस्तावेज प्रूफ वगैरह कुछ है? हमारे पास टैक्स पावती है, एग्रीमेंट है, सब कुछ हमारे पास पेपर एकदम क्लियर है मेरा। उन लोग जबरदस्ती ये मंडल जो है ना दूसरा है, इन लोग बोर्ड भी खा गए हैं। ये देखिए, ये झाड़ भी था इधर पीछे भी जो है जमीन, इन लोग बेच के खा गए मेरा। मैं गाँव गया था, इन लोग पूरा 50,000 रुपये का इन लोग बेच लिए हैं। ये झाड़ कटवाए किससे पूछने कटवाए? टैक्स मैं भरता हूँ, मेरे पास पेपर क्लियर है पूरा, तो इन लोग को कटवाने वाले कौन होते हैं? हाँ, इन लोग जबरदस्ती हमारे घर में आके उन लोग भी हमारे, मैं ताला लगाया, दरवाजा लगाया हूँ, सब कुछ लगाया, फिर भी हमारे से पैसा मांगते हैं कि मेरे को 50,000 1,00,000 रुपया दोगे तब मैं, हम क्या नाम तुम्हारे को बनाने दूंगा, नहीं नहीं बनाने दूंगा, डिमांड करते हैं, पैसे की डिमांड हो रही है, पैसे की डिमांड हो। अच्छा, बीच में ये खाली पड़ा हुआ था, इस टाइम पे आपने फिर क्यों नहीं रोका? मैं गाँव में था, देखो धर्म की चीज़ है, अगर गणपति बिठाए तो कोई हमारा रूम तो ले नहीं रहा था, पेपर सब मेरे पास है, धर्म की चीज़ है। मैं भी देवी बिठाने के लिए आया था, अब की मैंने ऑर्डर भी दे के आता, इन लोग हमको मना कर दिए देवी नहीं बिठाए, तो गणपति क्यों बिठा रहे भाई? जब देवी नहीं बैठती, जहाँ पे देवी बैठती तो वहाँ गणपति क्यों नहीं, देवी क्यों नहीं बैठ सकती? इन लोग बोले, उसके बाद मेरे को घर पे बुला के बोले 1,80,000 मेरे को दोगे पैसा तो मैं तुम्हारे को क्या रूम दूंगा, नहीं हम लोग ले लेंगे। उनकी औरत अज्जू की औरत, अच्छा, मेरे पिताजी के नाम पे है सब। अच्छा, और उसके बाद उन लोग के पास कोई कागज पत्र नहीं है, उन लोग खाली जबरदस्ती इधर उधर दौड़ रहे हैं। और एग्रीमेंट वगैरह कुछ है? सब है जी, दिखाई जरा एग्रीमेंट। अच्छा, कब लिए थे ये रूम आपके पिताजी? 95 में। 95 में। अच्छा, ये टैक्स पावती? हाँ, ये टैक्स पावती है, एकदम भरा हुआ है, एक टैक्स भरते पूरा। हाँ, टैक्स पावती पूरा आता है, उसके बाद एक साल का खाली बाकी पूरे भरा हुआ है। यानी जो इस्तेमाल हुआ 10-12 साल, तो क्या आप इतने दिनों तक गांव में थे? आप गांव में नहीं थे सर, जैसे हमारे कहने का कोई देवी जी बिठाता है कोई, मतलब कार्यक्रम के लिए इसे छोड़ दिए थे कि मतलब हमारी चीज हमारी ही रहेगी। हाँ, तो मेरे क्या मालूम इसको बना के उन लोग बेचने के, जब मैं सुना कि ये बेच रहे हैं तब मैं अपने चीज के लिए खड़ा हुआ हूँ, चौकी में इन लोग के नाम पे तुरंत कम्प्लेंट करेंगे, डायरेक्ट कम्प्लेंट करने कोई संकेत नहीं है। पहली बात, हम पहले हमारी औरत मैं खाली मैं रहती हूँ, घर में रहते हैं, इन लोग मारने के लिए भी आते हैं रात में, दरवाजा ठोकते 12 बजे रात में, मेरा सामान है उसके अंदर, रेती रखा हूँ, मेरा पूरा सामान इसके अंदर है। ताला भी किसने लगाया? ताला मैंने लगाया, तो मेरा सामान हम ही लगाएंगे ना। फिर वो जबरदस्ती, देखिए यहाँ पे वीडियो दिखाइए, ये कौन होता ताला मारने वाली है छोटी सी? हाँ, इसके पास जब कुछ भी कुरूप नहीं है तो काहे के लिए मार के आई है ये? अच्छा, ये? दो दो ताला लगाए। हाँ, काहे के लिए लगाई है? हाँ, पुलिस कंप्लेंट करता हूँ इन लोग के नाम पे डायरेक्ट, इन लोग जबरदस्ती खाली पैसा मांगते हैं। वहीं पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत ने कहा है कि ये रूम उन्होंने ही 3 महिला मंडलों को सामाजिक कामों के लिए दिया था, मगर अब जो उस पर कब्जा किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, ऐसा सुधीर भगत का कहना है। इस पूरे मामले में सुधीर भगत ने क्या कुछ कहा है सुनिए। कमलेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति का ऐसा दावा है कि वो रूम जो है उनका है, और सन 1995 से जो है उनके पिता के नाम पर वो टैक्स पावती वगैरह दिखा रहे हैं, तो कितनी सच्चाई है इसमें, क्या है पूरा मामला? ये जिसका आपने नाम लिया, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, और वो अगर 95 से पहले का पुरावा दिखा रहा है तो मुझे थोड़ा सा हंसी आती है। इसकी वजह ऐसी है कि एटलांटा जो कंपनी है वो 95 के बाद आई है, और किने परिवार के नाम पर वहाँ पर कुछ ज़मीन थी जहाँ पर इसी तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते थे, और कमलेश नाम के व्यक्ति का दावा है कि वो उनका रूम, और वो मंडल के तरफ से कहा जा रहा है कि जो रूम है जिसमें वो धार्मिक कार्यक्रम करते थे वो आपने ही दिया था उन लोगों को। ज़रूर, वही कहना चाहता हूँ
के ऐसे कई मंडल है। जब आपने दिया था तो उस वक्त किसी का रूम था? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर प्लेन जगह थी। प्लेन जगह होने के बाद क्या होता है, लोगों के पास पूजा का सामान, बर्तन है, मंडल का होता है ना, वो रखने के लिए जगह मंगती है ना, वैसे मंडल होते हैं, उनके बर्तन होते हैं, क्योंकि खाना बनाना पड़ता है, कुछ चटाई होती है, कुछ जो भी रहेगा उनका टेबल, तो वहाँ पर वो उन लोगों ने खुद ने पतरा डाल के वो सब बना के रखा था, तो वो लोग को दे दी गई थी कि वो जगह पड़ी थी, वो दे दी गई थी। अगर ये बोलते हैं 95 के पहले, तो उसको पहले बताइए कि 95 के पहले वहाँ कुछ था ही नहीं, जो भी बना है 2002 का बना है, और ये बंदे को तो हम जानते नहीं हैं। आजकल ऐसे ही बहुत से पेपर बन जाते हैं, और किसी तो 95 के बाद बने, तो आज 2021 है, 25 साल सरकारी ज़मीन, अगर 20 साल के ऊपर आप उसके ऊपर रहे ना तो वो आपकी हो जाती है, मालूम है, तो ये तो 25 साल हो गए, तब कहाँ सोए थे? ये कुछ नहीं है, ये लोग अभी एक कुछ टीम है, ये जगह ढूंढती है कि कहाँ कहाँ ऐसी जगह है, उसके ऊपर 10-15 हज़ार रुपये अब कहाँ से निकले। मैं उनके पीछे जो भी लोग हैं उनके कहना चाहता हूँ कि कितना कमाओगे 10-15 हज़ार, कितने लोगों और गरीब लोगों को लूट के क्या मिलेगा, कि हर एक जगह पे इसी क्यों गांवदेवी के बारे में आ रहा है, कहीं से ओपन जगह को छीन के खाया जा रहा है, कुछ जे उनको पता चल रहा है कि ये गरीब लोग हैं, इनको और कुछ लो मसलो, झूठ एग्रीमेंट बनाओ। अच्छा, इन्होंने खरीदी थी, किससे खरीदी थी? उसके बाजू का रूम वाला, अगर उसने 2005 या 2010 के बाद खरीदा है, तो ये 95 के पहले कैसे हो सकता है, ये भी बात है ना। तो मसले बहुत हैं, और मैं एक ही कहना चाहता हूँ आप सब पत्रकार भाइयों को, ये मंडल की जगह है, गरीबों को हर चीज़ के लिए वजू, जो सॉरी मैं मुझे पता नहीं है, मिट्टी करने के लिए जो मुस्लिम समाज के गुसल करने के लिए, जब वो सब करने के लिए उसको क्या बोला जाता है, अगर मैं कहीं जब गलत हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आपको पता है कि हमको जब आता है जनाजा वो करने के लिए रखने के लिए, वो छोड़िए हिंदू धर्म के लिए जब पूजा अर्चना की जाती है तो वो एक मंदिर बनाते हैं, तो वो रखने के लिए, गणपति रखने के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक स्पॉट दिया जाता है, तो रहने दो ना, गरीबों का वो जगह है उसको क्यों छीन रहे हो? पेपर तो आज मैं वो 95 का बता रहा है, अगर ऐसे में बोल दूँ किसी कार्यकर्ता का, वो तो 1780 का पेपर बना ले, तो वो पेपर पे महत्व नहीं रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की लूट चालू है, कहीं और का पेपर कहीं और दिखाने का, वहाँ पर कहीं भी नंबरिंग की नहीं है रूम को कि फलाना नंबर है फलाना ये है, बस कुछ लोगों की कुछ, अब इसमें राजनीति अगर मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि ये राजनीति कर रहा है, नगर सेवक ने भी इसमें ध्यान देना चाहिए, वहाँ के आज जो नगर सेवक है वो क्या कर रहे हैं, 4 नगर सेवक है कि गरीबों की जगह कोई लोग खा रहे हैं, उन वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने आके वहाँ रोकना चाहिए कि नहीं मंडलों की जगह है, वोट मांगने के लिए तो हम उस मंडल के पास जाते हैं, तो उनका हक देने के लिए क्यों नहीं जा रहे आप। बहरहाल रूम को लेकर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है, और दोनों तरफ से एक एक ताले इस रूम के दरवाजे पर लगा दिए गए हैं, और दोनों लोग इस रूम पर अपना अपना अधिकार जमा रहे हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।